गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 10। बाय सेलिंग अ टीवी एट अ लॉस ऑफ 10%, अ शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ ₹200। फाइंड इट्स CP एंड SP। बच्चों, कोई टीवी अगर कोई शॉपकीपर 10% लॉस पर बेचता है तो परसेंटेज में लॉस परसेंट कितना होता है? 10%। अगर अमाउंट में देखें तो कितना होता है? ₹200। फाइंड इट्स CP एंड SP, इट मीन्स CP एंड SP नॉट गिवन। सो वी राइट हेयर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%, लॉस इज इक्वल टू ₹200। नाउ लेट CP ऑफ TV, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इज इक्वल टू ₹X। नाउ 10% ऑफ X, इसका मतलब CP का 10% कितने लॉस के इक्वल है? ₹200 के। तो 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाई X इज इक्वल टू ₹200। नाउ 10 × X, 10x/100 इज इक्वल टू 200। नाउ 100 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, 10x इज इक्वल टू 200 × 100। X इज इक्वल टू 200 × 100 डिवाइडेड बाई 10, 0 कट बाय 0, ₹2000। तो X कितना आ गया बच्चों? ₹2000। और X क्या है इसमें? CP इज इक्वल टू ₹2000। इसमें आपको दोनों बताना है, CP एंड SP। नाउ SP इफ लॉस, देन SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। अगर SP में हमारे पास लॉस हो रहा है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके बेचते हैं। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर देते हैं? माइनस। SP इज इक्वल टू ₹2000 माइनस लॉस इज इक्वल टू 200। तो SP कितना होगा बच्चों? ₹1800। इसका मतलब 2000 वाली जो TV है वो कितने रुपए में लॉस होने पर बिका हमारा? 1800 में। सो SP ऑफ TV इज इक्वल टू ₹1800। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1320, अ ट्रेडर गेन्स 10%। फाइंड द CP ऑफ द टेबल। आपको क्या दिया हुआ है? पहले आप ये लिखें, SP ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹1320। गेन परसेंट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट 10%। क्लियर? नाउ फाइंड द CP। आपको क्या फाइंड करना है? CP। तो आप क्या लिखेंगे? CP ऑफ टेबल इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, सेम थिंग। आपने ये फॉर्मूला लिखा, नाउ पुट द वैल्यू, SP इज इक्वल टू 1320 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस 10। तो बच्चों कितना हो गया? 1320 × 100/110, 0 कट बाय 0, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 1200 = 1200। कितना रुपीस हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज ₹1200। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। मीना बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर ₹325। शी सोल्ड इट टू टीना एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। तो फर्स्ट वी राइट बॉट। बॉट मीन्स क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच इज इक्वल टू ₹325। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12%। नाउ फाइंड द SP ऑफ रिस्ट वॉच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। CP कितना है? 325 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100। 325 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100। नाउ वी मल्टीप्लाई द 325 बाय 112, वी गेट 3600 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कट,
कितना आ गया रुपीज़ 364। तो क्या लिखेंगे, एस पी ऑफ रिस्ट वॉच इज रुपीज़ 364। क्लियर। एन आइटम वैन सोल्ड फॉर रुपीज़ 48 इंकर्स अ लॉस ऑफ 20%। इसका मतलब ये है बच्चों इंकर्स का, कि इफ़ एन आइटम वैन सोल्ड, अगर कोई आइटम बेचा जाता है 48 रुपीज़ में, तो उसमें 20% का क्या होता है लॉस। वट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, तो आप उसका सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज़ कर दें टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि लॉस की जगह उसमें 20% क्या हो जाए प्रॉफिट। तो फर्स्ट वी राइट एस पी ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू रुपीज़ 48, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%। फर्स्ट फाइंड द सी पी ऑफ द आइटम, सी पी ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। एस पी कितना है 48 इंटू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 48 इंटू 100 अपॉन 80, जीरो कट बाय जीरो, 8 सिक्स ज़ा 48, 6 टेन ज़ा 60। तो बच्चों उसकी सी पी कितना आ गया, सी पी ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू रुपीज़ 60। क्लियर। अब आपको सी पी नहीं निकालना था, निकालना तो आपको वो सेलिंग प्राइस है कि जिसमें उसको 20% क्या मिल जाए प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें सी पी निकालना ज़रूरी था। तो अब हम क्या निकालेंगे, एस पी वेन प्रॉफिट इज, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या सी पी लिखते हैं इसको, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों 60 इंटू 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। नाउ 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, जीरो कट बाय जीरो, जीरो कट बाय जीरो, 12 सिक्स ज़ा 72। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, इफ एस पी विल बी रुपीज 72 देन शॉपकीपर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्लियर।